नमस्ते दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपका एडस्लैश यूट्यूब चैनल में। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, बेसिकली इंस्टॉलेशन करी थी विजुअल स्टूडियो कोड की, ताकि हम उसमें जावा चला सके। तो जिन लोगों ने नहीं करी है वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। बट इन केस अगर आपके इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही है या कुछ भी और इशू आ रहा है आपके इंस्टॉलेशन में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके लिखना पड़ेगा GDB। आप यहाँ से एंटर करोगे तो आपका लिंक खुल जाएगा, जो पहला लिंक आएगा उसी को खोलना है। ठीक है, यहाँ पर आप जाके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जावा में कोड करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जावा कर लूँगा सेलेक्ट। जावा सेलेक्ट करने के बाद आपको ये उस वाले पार्ट को तो हटा देना है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट हमारा यूज़ का नहीं है, और यहाँ से इसको भी बंद कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये खुल गया है, और यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। सो हम तो बेसिकली कोड करने के लिए यूज़ करेंगे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ही। ठीक है, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं फोल्डर जैसे आएगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था, वीडियोस के नाम से मेरा फोल्डर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कर लिया। अब इस वाले कोड को समझते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो अब कैसे हम कोड्स लिखते हैं, कैसे और चीज़ें करते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पहली लाइन क्या लिखनी पड़ती है, पब्लिक क्लास, उसके बाद जो भी फाइल का नेम होता है वो एज इट इज़ यहाँ पर आता है। ठीक है, इस जगह पर चाहे उसमें कैपिटल वर्ड्स हो तो हमें यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा, अगर उसमें स्मॉल वर्ड है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरे सारे स्मॉल में, तो मैंने लिख दिया प्रिंट। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा। अब ब्रैकेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखाई दे। उसके बाद हमें एक लाइन लिखनी होती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन ARGS, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, उसके बाद एक और ब्रैकेट। अब ये जो स्निपेट लिखा हुआ है ये क्या है, कैसे है, ये चीज़ें हम समझ तो सकते हैं, बट करेंटली ये पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स जैसे लिखे हुए, जैसे सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है ये पब्लिक क्लास प्रिंट, और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा जो मेनली पार्ट है ये किसका है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ रहे होंगे, उसी प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ें दिख जाएगी, बट करंटली हमें इनको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी हमारा काम चल सकता है। सो आप विश्वास रखिए कि हम आगे जाके इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो हम समझ सकते हैं, जैसे ये वाला प्रिंट। अब ये प्रिंट बेसिकली क्या है, ये क्या है, हमारे फाइल का नेम, फाइल नेम, जो भी हमारे फाइल का नेम होता है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट, इसको बेसिकली हम कहते हैं मेन, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का क्या काम होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही जावा के कोड का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा मेन फंक्शन। जैसे ही हम कभी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जावा किसको ढूंढता है, मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन को ढूंढने के बाद वो क्या करता है, इसमें जो भी लाइंस लिखी है उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो अभी के लिए हम जितना भी कोड लिख रहे होंगे वो सारा का सारा इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने ये बात समझा दी। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जावा में दो प्रिंट स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, पहले मैं उन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स को लिखूंगा, उनका आउटपुट चलाऊंगा, और आपको डिफरेंस ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हम समझ रहे होंगे कि ये वर्क कैसे करती हैं दोनों लाइन्स। ठीक है, तो समझते हैं इसको। तो पहली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो है हमारी System.out.println, और इसमें लिखना है हमें जो भी हम इसमें डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है वो है हमारी System.out.print, और इसमें भी जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ आ रही है। अब दोनों लाइन में अगर हम देखें कि लिखने में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो लिखने में इनका जो फ़र्क है वो है सिर्फ ये इस एलन का, इसमें एलन है, इसमें नहीं है एलन, तो लिखने में तो ये फ़र्क है, बट इनकी फंक्शनैलिटी में क्या फ़र्क है वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं इस पर प्रोग्राम को रन करता हूँ, पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे देन डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ से रन करा प्रोग्राम को, तो हेलो और वर्ल्ड हो गया, बट अभी कोई भी डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से एलन को हटा देते हैं और इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड एक लाइन में आ गया, पिछली बार ये दो लाइंस में आया था, पहले हेलो आया था फिर वर्ल्ड आया था, बट अब क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड।
दोनों सेम लाइन में आ रहा है, जैसे ही हमने ln को हटा दिया। तो अब क्या करते हैं, अब समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। उसके लिए चलते हैं हम अपने बोर्ड पर, और हमारे पास दो लाइंस थी, पहली थी हमारी जिसमें हम प्रिंट ln का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम प्रिंट ln का यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले वो लाइन आती है और प्रिंट करती है, प्रिंट करने के बाद वो क्या करती है, हमारे लिए लाइन चेंज कर देती है, लाइन चेंज कर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, वो है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंट का यूज हो। वो बेसिकली क्या करती है, वो लाइन सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करती है, कोई भी लाइन चेंज उसके थ्रू नहीं होता है। इसी वजह से क्या हो रहा था, जब हमने हेलो वर्ल्ड लगाया था, System.out.print ln लगाया था, तो क्या हो रहा था, पहले प्रिंट हो रहा था देन लाइन चेंज हो रहा था। ठीक है, इसको दोबारा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ln, अब बेसिकली इसको रन करते हैं, अब क्या होगा, क्योंकि ये प्रिंट ln वाली लाइन है तो ये क्या करेगी, ये करेगी पहले प्रिंट करेगी, देन उसके बाद क्या करेगी हमारे लिए लाइन चेंज, लाइन चेंज। ये हमारी कौन सी करती है, प्रिंट ln वाली लाइन क्या करती है, सबसे पहले प्रिंट करती है देन हमारे लिए लाइन चेंज करती है। बट इन केस ऑफ ओनली प्रिंट, वो क्या करती है हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करती है। ठीक है, तो ये चीज दिख रही होगी अब आपको। अब ये जो ग्रीन लाइन में लिखा है, ये क्या होता है, बेसिकली ये कमेंट्स होते हैं जो हम डबल स्लैश डाल के लिखते हैं। कमेंट्स क्या होता है, वो कोड का पार्ट नहीं होता, कोड उसको इग्नोर कर देता है, ये जस्ट हमारे लिए होता है कि हम अपनी सिचुएशंस के, अपने कोड को कुछ भी कमेंट्स देने के लिए हम ये कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल देखते हैं। जैसे system.out.println में हेलो लिखा तो हेलो प्रिंट हो गया, प्रिंट ln से क्या हुआ, प्रिंट ln पहले प्रिंट हुआ उसके बाद लाइन चेंज होगा, लाइन चेंज हो गई, अब लाइन चेंज से नेक्स्ट लाइन में आ गया, नेक्स्ट लाइन में क्या था, वर्ड, तो हमने यहाँ पे वर्ड। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके, system.out.print, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा, क्या होगा प्रिंट, गेस करिए और कमेंट करिए। देखो सबसे पहले प्रिंट ln वाली लाइन है, तो क्या करेगी, पहले हेलो प्रिंट करेगी उसके बाद लाइन चेंज करेगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा हमारा, वो क्या प्रिंट करेगा, वर्ल्ड, और उसके बाद लाइन चेंज तो होगी नहीं क्योंकि प्रिंट वाली लाइन थी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा वहां पर, जावा। तो देखते हैं इसका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड जावा, एक ही लाइन में प्रिंट हो। बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर ln भी लगा दूं, अब क्या होगा, हेलो है, पहले हेलो प्रिंट होगा फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर वर्ल्ड प्रिंट होगा फिर लाइन चेंज हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जावा प्रिंट होगा, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग लाइन्स में आएंगे, तो हेलो वर्ल्ड जावा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, वो डाउट हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। सो थैंक यू।